सो गाइस, अगर आप भी अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड भूल गए एंड उस जीमेल अकाउंट से कोई भी नंबर या फिर जीमेल अकाउंट लिंक नहीं था, या फिर आपका सब लिंक था लेकिन यार आपका यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पर लॉग इन था, यानी टू स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पर ऑन था आपके जीमेल अकाउंट में, या फिर यार आपको कुछ भी यहाँ पर याद है नहीं कि आपके जीमेल अकाउंट का यूज़र नेम क्या था, उसका नंबर यहाँ पर कौन सा लिंक था, तो मैं आपको बता दूँ कि आपने बिल्कुल सही डर क्लिक किया है। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको सिंपल एंड ईजी स्टेप से बताऊँ कि आखिर आपने लॉस्ट हुए जीमेल अकाउंट को कैसे रिकवर कर सकते, बिल्कुल यहाँ पर जेन्युइन स्टेप से। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिए ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो गाइस, जो यहाँ फर्स्ट वाला स्टेप है उसमें अगर यहाँ पर आपको अपने जीमेल अकाउंट या फोन नंबर याद है, तो फर्स्ट ऑल आप यहाँ पर उसको फिल कर ले। गाइस, मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ एंड उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर टैप करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन यहाँ पर टैप करते हैं, आपके सामने पर शो होता है पासवर्ड वाला ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर आपको पासवर्ड वाला यानी पासवर्ड आपको याद नहीं है, तो सिंपली यार आप फॉरगेट पासवर्ड को यहाँ पर टैप करिए, या फिर अगर आपको पासवर्ड याद है तो आप सिंपली पासवर्ड फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टैप करें। तो मुझे यार पासवर्ड नहीं पता, तो मैं सिंपली फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन टैप करता हूँ। देन गाइस, इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी पासवर्ड यहाँ पर अपना लास्ट वाला यहाँ पर याद है, यानी कि आपके अकाउंट का जो भी पहले के टाइम में पासवर्ड रहा होगा, आपको जो भी अंदाजा लगता है आप उसको सिंपली फिल कर दें, नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर टैप कर दें। तो फ्रेंड्स, आप जैसे अपन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर देखने मिला गेट अ वेरिफिकेशन कोड, यानी कि आपके जीमेल अकाउंट के साथ जो भी फ़ोन नंबर या फिर ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिंक होगा वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। एंड सिंपली आपको उस ईमेल एड्रेस या फोन नंबर को यहाँ पर टाइप करके यहाँ पर सिंपली सेंड वाले ऑप्शन यहाँ पर टाइप करते हैं। एंड गाइस, आप जैसे सेंड वाले ऑप्शन टाइप करते हैं, उसके बाद आपको उस नंबर पे या फिर जीमेल अकाउंट पे एक ओटीपी आएगा। एंड ओटीपी फिल करने के बाद सिंपली आप आसानी से यहाँ पर अपना लॉगिन यहाँ पर कर लेंगे। लेकिन यार मुझे यहाँ पर याद नहीं है, तो सिंपली मैं यहाँ पर ट्राई अनदर वे वाला ऑप्शन टाइप करता हूँ। तो गाइस, अगर आपको यहाँ पर इस तरीके का पेज यहाँ पर ओपन हो जाए, तो यार सिंपली आपको सेकंड स्टेप का फॉलो करना है। तो गाइस, जो यहाँ पर सेकंड वाला स्टेप है उसके लिए सिंपली यार आपको यहाँ से बैक होना है, जाना है सिंपली यहाँ पर किसी ब्राउजर में। एंड ब्राउजर में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना है यहाँ पर आदित्य ज्ञान, जैसे कि मैंने टाइप किया यहाँ पर आदित्य ज्ञान, आपको यहाँ पर ऐसा टाइप कर लें एंड सिंपली फर्स्ट वाले वेबसाइट में चले जाना है। तो जैसे आप फर्स्ट वाले वेबसाइट में आते हैं, आपको एक ब्लॉग यहाँ पर देखने मिलता है फर्स्ट नंबर पर, यहाँ पर हाउ टू रिकवर जीमेल अकाउंट विदाउट फोन नंबर 2023, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे ब्लॉग ना देखने मिले, तो सिंपली यार आप यहाँ पर ऊपर सर्च कर ले जीमेल, एंड जैसे आप जीमेल सर्च करेंगे तो आपको ये वाला ब्लॉग फर्स्ट नंबर पर देखने मिल जाएगा। तो यार सिंपली आप इसको टैप कर ले, मैं यहाँ पर टैप करता हूँ। तो इस वाले ब्लॉग में यहाँ पर आने का सिंपली यार आपको नीचे की तरफ यहाँ पर आना है। एंड जैसे आप नीचे आते हैं तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पर ढूंढना है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक ऑप्शन उठता हूँ यहाँ पर जीमेल रिकवरी का। तो सिंपली आपको जीमेल रिकवरी वाले ऑप्शन को टैप कर देना, जैसे मैं टैप करता हूँ जीमेल रिकवरी वाले ऑप्शन को। एंड यार आप जैसे यहाँ पर टैप करते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर देखना सेलेक्ट दी इशू, कि आपको एग्जैक्ट यहाँ पर इशू क्या आ रहा है, कि आप अपना पासवर्ड को फॉरगेट करें, यू फॉरगेट योर पासवर्ड, यू फॉरगेट योर यूजर नेम और द ईमेल एड्रेस यू यूज टू साइन इन। तो आपका जो भी यहाँ पर इशू है उसके अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पर टैप कर दें। जैसे गाइस, मुझे यहाँ पर ये वाला इशू यहाँ पर थर्ड नंबर पर देखने मिल रहा है, यू नो योर यूजर नेम एंड पासवर्ड बट यू कांट साइन इन। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पर टैप करता हूँ। देन इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पर एरर यहाँ पर देखने मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट यहाँ पर कर ले। तो मुझे यहाँ पर फर्स्ट वाला देखने मिल रहा है यू गेट एन एरर मैसेज, तो मैं इसको यहाँ पर टैप करता हूँ। देन गाइस, इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का पर देखने मिलता है, अगर यहाँ पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड रॉन्ग है, तो यार सिंपली आप इसको टैप करें एंड बाकी जो यहाँ पर स्टेप लिखा हुआ है उसको फॉलो यहाँ पर कर ले। लेकिन यार अगर आपको कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, तो जो आपको ऑप्शन देख रहा है वॉस दिस हेल्पफुल को, उसको यहाँ पर नो वाला ऑप्शन को टैप करें। जो भी आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है, यानी कि आपका जो भी यहाँ पर इशू यहाँ पर आ रहा है, सिंपली आप उसको सबमिट करें। इसके मैं यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पर आई एम अनेबल टू लॉग इन एंड असेस माई जीमेल अकाउंट। तो आपका जो भी यहाँ पर इशू आ रहा है आप उसको टैप करें, सबमिट वाले ऑप्शन में यहाँ पर टैप कर दें। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं कि आप जैसे सबमिट करेंगे, आप एक बात का ध्यान रखें कि आपका, जैसे कि मुझे यहाँ पर राइट साइड में जो लोगो देखने मिल रहा है, यानी कि वो वाला जीमेल अकाउंट मेरा यहाँ पर लिंक है, यहाँ पर इस वाले यहाँ पर जो मैंने क्रोम ब्राउजर यहाँ पर ओपन यहाँ पर किया। तो आप ध्यान रखें कि आप जिस भी यहाँ पर जीमेल अकाउंट आपका इस टाइम फ़ोन में लॉगिन होगा, उससे ही आपका मेल जाएगा। एंड जीमेल आपको यहाँ पर आपके उसी जीमेल अकाउंट पे एक यहाँ पर मेल आपको रिसीव होगा कि आपको एग्जैक्ट यहाँ पर इशू यहाँ पर क्या देखने मिल रहा है। इसके अलावा गाइस, अगर यहाँ पर आपका अकाउंट रिकवर यहाँ पर नहीं होता इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी, तो यार सिंपली आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पर मेरा यहाँ पर इंस्टाग्राम का यहाँ पर लिंक यहाँ पर देखने मिलेगा। तो यार सिंपली आप उस इंस्टाग्राम के अकाउंट पर जाएँ एंड मुझे मैसेज करें, मैं आपकी पूरी ट्राई करूँगा कि आपका यहाँ पर जीमेल अकाउंट रिकवर यहाँ पर हो जाए, जो भी मुझसे यहाँ पर हेल्प यहाँ पर हो पाएगा आपके यहाँ पर। तो गाइस, यहाँ पर जीमेल अकाउंट एंड बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रहे ऐसी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब कुछ करेंगे। बस खुश रहने